चलिए वक्त हो गया है चार्ट बस्टर सेगमेंट का। जी हाँ, ये एक ऐसे खास सेगमेंट है जिसमें हम आपको बताएंगे, एक शेयर का चार्ट आपके सामने रखेंगे जिसके दम पर आपको 2023 यानी कि नए साल में, नव वर्ष में दमदार मुनाफा मिलने वाला है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के निलेश जैन। निलेश जी, बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए नए साल की क्या सौगात लाए हैं आपका चार्ट बस्टर शेयर? हाँ बिल्कुल नेहा जी, देखिए जो सेक्टर सबसे पहले कहूंगा जो हमें पसंद आ रहा है 2023 के लिए वो है एनबीएफसी स्पेस। और इस स्पेस में से जिस स्टॉक ने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है वो है एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग। अगर आप दूसरे काउंटर्स की ओर नजर डालें जहां महिंद्रा फाइनेंस जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसके विपरीत यहाँ पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था। अब स्टॉक का चुनाव करने का रीजन ये है कि अगर आप टेक्निकली वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इसे आप देखें तो एक कंसोलिडेशन हमने देखा था, एक साइडवेज कंसोलिडेशन गिरावट के साथ साथ यहाँ पे देखने को मिला था, आप चार्ट पे भी देख पा रहे होंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन फॉर्म हुआ, उसका ब्रेकआउट हमें इस हाल फिलहाल कुछ एक दिनों में देखने को मिला है। रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। अगर काउंटर के रेशनल देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, 200 वीकली मूविंग एवरेज के ऊपर भी काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, सारे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स की ओर नजर डालें तो वो भी बाय साइड में है। एमएससीडी पे एक बाय क्रॉसओवर है, अबो जीरो लाइन ट्रेड हो रहा है तो वो इस मोमेंटम को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ जिस हिसाब से सिमेट्रिकल ट्राइंगल फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट आया है, कंजर्वेटिव टारगेट की बात करें तो निकल के आ रहे हैं लगभग 110 के आसपास। अगर हम एग्रेसिव टारगेट की बात करें तो लगभग 130 के आसपास के टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तो करंट लेवल पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल इसलिए कि जो सपोर्ट है वो 78 के आसपास का है, ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ओवरऑल एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग जिसका मार्केट कैप लगभग 23,000 करोड़ का है, एक अच्छी पेडिग्री की कंपनी है। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो खत्म हो चुका है, 2023 के लिए एक मेजर अप मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर जैसे कि मैंने कहा 130 के एग्रेसिव टारगेट, और अगर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हुआ तो यहाँ पे 160 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे जिन जो भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके पोजीशन को होल्ड करके चले और 78 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और 2023 के लिए मेरी ओर से एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग परफेक्ट। ओके, चलिए तो आज का चार्ट बस्टर शेयर निलेश जैन की तरफ से एलएनटी फाइनेंस यहां पर निकल कर आ रहा है। वैसे तो उन्होंने कंजर्वेटिव बेसिस पे 110-130 का टारगेट दिया है 3 से 6 महीने में, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ये स्टॉक 160 तक का भी आंकड़ा पार कर जाएगा। तो क्लियरली ये है वो चार्ट बस्टर शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए।